डेज व्लॉग। आज क्या है, फ़ोन में मेमोरी तो नहीं है, जितने पर जितना रिकॉर्ड होगा उतना तो रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो क्या है ना, आज वैसे तो बहुत खुशी का दिन है। आज जो मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से जो बेबीज हैं, जो हमारे ट्विन बेबीज हैं शौर्या, और ये जो सो रहा है प्यारा सा शौर्या, और ये हमारी प्यारी सी बच्ची शनाया। ओके, तो आज ये पूरे 6 महीने के हो गए, दैट इज़ इनका हाफ बर्थडे आज। तो वैसे तो खुशी का दिन है बहुत ज़्यादा, बट क्या है ना, आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। मुझे क्या है, नाभि के ऊपर बहुत आज पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं कहीं किस लिए हो रहा है। तो कल मैंने कुछ ऐसा सच खाया भी नहीं है कि बहुत ही ख़राब खा लिया हो, बट क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कल तो पूरे दिन से कि कल बर्थडे है बर्थडे बर्थडे, बट आज सुबह क्या है, अब 11:30 बज चुके हैं, बट कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक, घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है, जो कोई और काम तो करने का हम सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, अभी सजावट भी करनी है, बट कैसे भी हो मैं बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे ट्विनीज का आज पूरा हाफ बर्थडे है। ओके, पूरे 6 महीने के हो चुके हैं आज, जिसमें वो 6 बार डॉक्टर के जा चुके हैं ऑलरेडी, आई गेस 7 बार गए हैं, पता नहीं, हाँ 6 या 7 बार जा चुके हैं जो ऑलरेडी। अच्छी क्या है ना, थोड़े ट्विन्स होते हैं ना तो थोड़े कमज़ोर भी हैं। ओके, तो ये है बात। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं कैसा बन पाएगा हमारा वीडियो, ओके, कैसा ब्लॉग बन पाएगा आज। मैं कोशिश करूंगी बार बार ब्लॉग बनाने की। ओके, काम तो ये करने देते हैं, सारे दिन इनके पास में बैठे रहो बस, इनको दिखते रहने चाहिए कि यहीं बैठे, वो और कोई चारा नहीं। मैं अपनी मम्मी को बुलाऊंगी, तो मम्मी बैठेगी, मैं काम करूँगी, मेरे पास जितनी श्रद्धा नहीं है काम करने जितनी, पर देखा मम्मी ही करेगी, समझे। जब जाके इनका बड्डे बड्डे बन पाएगा, रोज तो मैं भी मम्मी कितना कहा कि घर का काम करवाएंगे, बट आज तो आ ही सकती है। हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने मम्मी को बुला लिया था क्योंकि मेरे हो रहा था पेट में दर्द आज बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए काम वगैरह अभी मम्मी ने सलटा दिया है थोड़ा बहुत, और अभी मुझे भी थोड़ा सही फील हो रहा है खाना वाना खा के। तो हम ये कैनोपी वाला डेकोरेशन कर रहे हैं, जो कि एक मम्मी की पुरानी साड़ी से मैं कर रही हूँ, जो कि मैंने ऑनलाइन ही देखा था, तो देखते हैं ये कैसा टर्न आउट होता है। ओके, बस वही मेरी इतनी ही श्रद्धा है, इतना कर दिया वही बहुत है, काफ़ी है, क्योंकि आज वैसे भी तबीयत ख़राब है, इतना करने में मेरे को हालत ख़राब हो रही है। ओके, और अभी शाम पूरी बाकी पड़ी हुई है, सॉरी बेटा, बर्थडे पे ढंग से करेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा केक भी आ गया है, जो कि थोड़ा बजट पे था हैवी। ओके, और शाम को पापा भी आ गए थे, सुबह मम्मी आ गई थी, मेरा भाई भी आ गया था। ओके, तो सिर्फ शनाया क्या है, थोड़ा गुस्से में आ रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब वो नींद से उठी थी ना, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए आप देख सकते हैं वो थोड़ी चिड़चिड़ी थी। मुझे ये खिलौने वगैरह लगा के, उसके ऊपर बच्चों का फोकस लगा के फिर मुझे वीडियोज़ वगैरह खिंचवाई बनवाए थे मैंने, फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बच्चों के साथ हो जाता है ऐसे, बच्चे नहीं समझ पाते, हम उनके लिए ही कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं अच्छा लगता कई बार, तो हमें उनके हिसाब से ही चलना होता है, बच्चों के हिसाब से। ओके, तो अब आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे कैंडल्स नहीं जला रही हूँ, कैंडल्स जलाना हमारे जो मेरी जो मदर इन लॉ है उन्हें भी पसंद नहीं है कि जलाओ फिर उन्हें बुझाओ, बर्थडे पे क्यों बुझाते हो, बट मुझे लगा ये जो फाउंटेन आते हैं ना वो है ये, क्योंकि गोल्डन कलर की कैंडल्स थी, जलाने के बाद मुझे पता चला कि ये कैंडल्स हैं गोल्डन कलर की, दैट इज़ वाई। तो अब आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस खिलौना कंटिन्यूस चल रहा है ताकि इनका फोकस ना हटे यहाँ से। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जल नहीं गई थी पंखे में बराबर में, और फिर मैंने अभी इसे जलाया है, कोशिश की है अच्छा बर्थडे बनाने की 6 मंथ्स तो, और अकेले से बैठता भी इतना ही है। ओके, पहले मैंने सोचा था थोड़े और लोगों को बुलाएंगे, कुछ खाना पीना और मंगे, पर फिर बाद में तबीयत थोड़ी ढीली हो गई तो फिर मन नहीं किया कुछ करने का। अच्छा,
ये देखिए शना तो रो ही रो रही है। मैं भी रोजाना अच्छे ऐसे कपड़े पहन नहीं पाती हूँ, मम्मी थी इसलिए मैं तैयार हो गई थोड़ा बहुत। तो मैं भी सोची थी कुछ फोटोज़ में खिंचवा लूँ बच्चों के साथ में, बट बच्चे तो बच्चे हैं। ओके शौर्य हमारा मूड में था। और ये जो लास्ट में हमारा गिफ्ट है जो मम्मी पापा ने दिया था बच्चों को, ओके पापा ने तो अलग से पैसे भी दिए थे, बट ये मम्मी पापा ने मतलब वैसे ही एज ए गिफ्ट मम्मी ने दे दिया है। तो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अब आप समझ सकते हैं ट्विंस बेबीज़ के अंदर अकेले पूरा काम मैनेज कर रही हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना मेरे लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके थैंक यू।